Hello everyone. So we are going to start with the topic accounting concepts. What are accounting concepts? Accounting concepts hote kya hai? Accounting concepts kuch aisi assumptions hoti hain, ideas hote hain aur conditions hoti hain jiske upar hamari accounting based hoti hai. Accounting concepts kuch accounting rules hote hain jo follow karne hi padte hain while we are going to prepare our financial statements and accounts. बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं जो कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं और फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. सो व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट सेपरेट एंटिटीज है. बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, ऑनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है. अगर बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, इट मींस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ रिलेटेड है वो अलग आएगी उसकी बुक्स में, और कोई इंडिविजुअल अगर कुछ भी परचेज कर रहा है, कुछ भी सेल कर रहा है, वो इंडिविजुअल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा. उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है. इट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ओनली, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि वो दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटीज हैं. अगर ऑनर कुछ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऑनर कुछ विड्रॉ करता है, दैट इज ड्रॉइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऑनर कुछ भी परचेज करता है वो उसके अपने नाम पे होगी. लेट से अगर ऑनर कार परचेज कर रहा है तो वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल की ऑनर की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही आएगा. So second concept is our going concern concept. Now going concern concept means our business will go on forever, ever and ever for indefinitely long period in future. It means हम जब business start करते हैं तो क्या सोच के start करते हैं कि हम उसको shut down नहीं करेंगे, हम उसको इतनी जल्दी dissolve नहीं करेंगे. हमारे mind में क्या आता है कि हमारा business long term के लिए चलता ही रहेगा for the infinite years. Infinite years means जिसको हम calculate नहीं कर सकते. It means हम क्या सोच के चलते हैं कि हमारा business stable रहेगा future में, ताकि हम अपनी present के plans, contracts और commitments को fulfill कर सके. Third concept is a money measurement concept. Money measurement concept, we are focusing on the word money. Money means monetary transaction. So in this concept, only those transactions are recorded which are expressed in the form of money. Means financial transactions are recorded. मॉनिटरी टर्म्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, हम नॉन मॉनिटरी और क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमारी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड है एटीट्यूड के साथ, द पर्सन इज वेरी स्किलफुल, वो पर्सन बहुत एक्सपीरियंस है, पर्सन टीम वर्क से काम कर रहा है, नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये मॉनिटरी फॉर्म में नहीं है. फोर्थ वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया है कि हमारा बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर एवर एवर, इट मीन्स इनफाइनाइट ईयर. अब हमने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है बिजनेस की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें अपने बिजनेस की लाइफ को शॉर्ट पीरियड में डिवाइड करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेक द परफॉर्मेंस इन प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और उस शॉर्ट पीरियड को, से 12 मंथ्स को, से 1 ईयर को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर. हमें पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल to 31 मार्च. और हमारा कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी to 31 दिसंबर. बट दिस टाइम इन 2020 हमें पता है कोरोना वायरस आया हुआ है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून को. और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई. लेकिन जनरली हमेशा हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल. और कब एंड होता है? 31 मार्च को. और हम ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमने अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है. जैसे कि अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट क्या करता है? एक लाइन ड्रॉ कर देता है, भाई मुझे तो 12 महीने के ही प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी, मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. सो ही हैज टू फॉलो दैट अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और अजम्पशन. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट जिस पे हमने एसेट को परचेज किया, वो कॉस्ट जिस पे हमने अपने एसेट को अक्वायर किया. इट मीन्स मार्केट प्राइस हैज टू बी इग्नोर्ड. मार्केट प्राइस को हमने लेना ही नहीं है. हमने सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेनी है? जो कॉस्ट जिस पे हमने अपने एसेट को एक्वायर किया था. इट मीन्स दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल.
फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर था, उसके हमने उसको 2010 में परचेज किया था, तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? $555. उसके मार्केट वैल्यू भी क्या है? $555. अब 2011 में क्या हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट तो वही रही, लेकिन मार्केट प्राइस क्या हो गई? 250. तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? 555 माइनस डेप्रिसिएशन, इफ एनी. सो नेक्स्ट वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल मीन्स टू साइडेड इन अकाउंट्स. टू साइड मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट. इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव टू साइडेड इफेक्ट. टू साइडेड इफेक्ट मीन्स एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, और उन दोनों डेबिट क्रेडिट साइड में इक्वल अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश सेल, हमने कैश में सेल करी, इट मीन्स कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं. कैश आ रहा है 10,000, गुड्स आ रहे हैं, सेल हो रही है जी 10,000, मीन्स डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000. हमने परचेज करी है, राम ने परचेज करी है गुड्स 20,000 रुपीज़ के, और उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ. उसने परचेज कितने की करी है? 20,000. अब क्रेडिट साइड भी 20,000 आना चाहिए. इट मीन्स राम के अकाउंट में कितना गया? 18, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 2. इट मीन्स 20,000 ऑन डेबिट साइड, 20,000 ऑन क्रेडिट साइड. इट मीन्स एवरी डेबिट हैव इक्वल क्रेडिट. अब ये जो कंसेप्ट है, ये किसको राइज करता है, ये किसको रिजल्ट करता है? ये करता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट कर देता है. अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, जिसके थ्रू ही हमारी बैलेंस शीट बनती है. सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोलता है? कि हमने अपने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? हमने तभी रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जब वो अर्न हो जाएगा, चाहे हमने कैश रिसीव किया है या नहीं किया. ये हम तभी रिकॉर्ड कर देंगे जब हम उसको अर्न कर लेंगे. ये है हमारा अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो कि हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स में. लेकिन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? जब तक हम कैश रिसीव नहीं करेंगे तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मैचिंग कंसेप्ट. अब मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट कह रहा है कि हमारे एक्सपेंस अगर एक ईयर के हैं तो वो मैच करने चाहिए रेवेन्यू के, वो भी उसी साल के. इट मीन्स एक्सपेंस एंड रेवेन्यू शुड बी मैच फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ओनली. जिस पीरियड के एक्सपेंस है उसी पीरियड के क्या होने चाहिए? हमारे रेवेन्यूज होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह के मिसस्टेटमेंट ना हो सके. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड इन 2012-13 इज रिलेटेड टू 2011-12. 2011-12 की सैलरी की पेमेंट कब हुई है? 2012-13 में. अब यू हैव टू टेल मी, हम अब सैलरीज कब रिकॉर्ड करेंगे? 2011-12 में कि 12-13 में? हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 2011-12 में, 11-12 में, एज आउटस्टैंडिंग सैलरी, ना कि हम उसको 2012-13 में रिकॉर्ड करेंगे. क्योंकि जिस साल की है हमारे एक्सपेंसेस, हम उसी साल में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट इज बैलेंस शीट कंसेप्ट. अब बैलेंस शीट कंसेप्ट भी सेम ही है जो हमने पीछे पढ़ लिया अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट. अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट क्या था हमारा? कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी. अब ये कंसेप्ट क्यों फॉलो किया जाता है? ये कंसेप्ट इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटस को जानना होता है फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हमने देखना है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में है कि हम लॉसेस में जा रहे हैं, वो चेक करने के लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन या कि बैलेंस शीट कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट इज अक्रूअल कंसेप्ट. अब अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूअल कंसेप्ट कहता है इनकम और एक्सपेंस हमने रिकॉग्नाइज करने हैं उसी पीरियड में जब हम उनको अर्न कर रहे हैं, जब हम उनको इनकर कर रहे हैं. इनकम हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम अर्न कर रहे हैं. एक्सपेंस हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम इनकर कर रहे हैं. हमें रेवेन्यू रिसीव्ड या फिर एक्सपेंस पेड से कोई मतलब नहीं है. हमें किससे मतलब है? जिस साल में हम उसको अर्न कर रहे हैं रेवेन्यूज को और एक्सपेंसिस को इनकर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.